पुरुषों के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कृषि विभाग में तैनात उप संचालक ने अनुकंपा आधार पर नौकरी दिलाने के नाम पर कई साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। हालांकि आरोपों में घिरे अफसर ने अपने ऊपर लगे रहे इल्जाम को साजिश करार दिया है। अपना दर्द बयां करती ये युवती धोखे और छल का शिकार हुई है। इस युवती को नौकरी के नाम पर 2 साल से ठगा जा रहा था। इस युवती का 2 साल से शारीरिक शोषण किया जा रहा था। दरअसल महिला के पति की 2005 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पीड़ित महिला लगातार अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए टीकमगढ़ के कृषि विभाग के चक्कर लगा रही है। महिला का आरोप है कि कृषि विभाग के ही उप संचालक ने नौकरी दिलाने के नाम पर भोपाल, ललितपुर सहित कई जिलों के होटलों में ले जाकर उसका शारीरिक शोषण किया। साथ ही विभाग के 2 कर्मचारियों ने उससे 50,000 रिश्वत भी ली। वही आरोपी अपने ऊपर लगे इल्जामों से साफ इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि कुछ लोग महिला के माध्यम से उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। षड्यंत्रकारी लोग जिन्होंने हमारी छवि को धूमिल करने के लिए और उन्होंने उस महिला का रास्ता ढूंढ करके उस महिला को फुसला करके ये उन्होंने ये चाल चली है ताकि मेरे चरित्र हनन और मेरे जो सम्मान है उसमें बदनाम किया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये शिकायत उन्होंने प्रस्तुत की थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, उसकी जांच के लिए कोतवाली भेजा गया है और सभी पहलुओं पे उसकी जांच हो रही है और जांच में जैसा भी पाया जाएगा उसकी वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। जांच हम शीघ्र करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश हमारी है कि शीघ्र इसमें हम निष्कर्ष पर पहुंचे। पुलिस की जांच चल रही है और अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि महिला के आरोप सच है या फिर ये आरोपी के खिलाफ महज एक साजिश का हिस्सा है। टीकमगढ़ से RB सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।